हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड का कोर्स करने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर हम सभी जो आठ के आठ कॉलेजेस हैं उनके बारे में जानने वाले हैं कि अगर आपको इसके अंदर बीएलएड का कोर्स करना है तो आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा अपना सीयूटी के एग्जाम के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इसमें हम सभी कॉलेजेस के बारे में डिटेल में एक एक करके समझने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, सीयूटी 2024 का जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। उसके ऊपर ऑलरेडी फॉर्म फिल कैसे करना है, जो भी डिटेल वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो आपको ज़रूर उसको एक बार देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि आप सीयूटी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। अब रही बात, अगर हम बात करें बीएलएड की, तो आपको सबसे पहले पता होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा 4 ईयर बीएड के ऊपर, यानी जो बीएड 4 साल के अंदर किया जाता है। तो अगर आप देखोगे बीएलएड को भी, तो ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का एक कोर्स होता है जिसमें आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है इन सब की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी 4 ईयर प्लान के अंदर ही आता है, तो ये काफी ज्यादा एक यूजफुल कोर्स है अगर आप अपना करियर आगे टीचिंग के फील्ड में बनाने जा रहे हो। तो इसके अंदर अगर बात करें, टोटल 8 कॉलेजेस है जो कि आपको बीएलएड का कोर्स ऑफर करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे पहला अगर कॉलेज की बात करें तो आपका मिरंडा हाउस है, देन लेडी श्रीराम कॉलेज है, इसके अलावा गार्गी कॉलेज, जीसस मैरी कॉलेज, इसके अलावा अगर देखें और कॉलेजेस के बारे में तो देन आपका इंडियन होम जो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है वो आपका एक कॉलेज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, माता सुंदरी कॉलेज और अद्विति महाविद्यालय। ये टोटल 8 कॉलेजेस हैं जो आपको बीएलएड का कोर्स ऑफर करते हैं। आपको ये बात तो पता ही होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो 8 के 8 कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन कॉलेज है, यानी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स इसके अंदर एडमिशन ले सकती है, जो भी लड़के हैं वो इसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकते हैं। अब हम आज की इस वीडियो में मेन बात करने वाले हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है कि आप इन टॉप कॉलेज में आपका नाम आ जाए। देखो, देखा जाए तो टोटल तो 8 कॉलेज है, लेकिन सबसे बढ़िया जो है यही 4 कॉलेज माने जाते हैं बीएलएड के लिए। थोड़ा बहुत आप कंसिडर्ड इसको भी कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है इसे भी थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हो, लेकिन टॉप अगर कॉलेज की बात करें तो टॉप यही 4 कॉलेज हैं। अगर इसके अंदर मार्क्स की बात करें कि आपको कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, तो देखो सबसे पहले अगर आप बात करें जो मिरंडा हाउस कॉलेज है, तो उसके अंदर आपको मिनिमम जो है 750 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एडमिशन हो सकता है। देखो, अगर आप सीयूटी 2024 के अंदर अगर आप बीएलएड का टारगेट कर रहे हो, बीएलएड को टारगेट कर रहे हो और आपका टारगेट मिरंडा हाउस है, तो आपको इतनी मेहनत करनी कि आपके 750 प्लस मार्क्स है। इससे कम आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाली बात है, आपको इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा कि आप 750 प्लस लेके आओ ताकि आपका मिरंडा हाउस में एडमिशन हो जाए। लेडी श्रीराम की बात करें तो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आपके इसमें 700 के अराउंड अगर मार्क्स आ रहे हैं 700 to 750, तो इसमें एडमिशन ईजिली हो जाता है। ठीक है, सबसे मेन जो कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है वो मिरंडा हाउस के लिए मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा कॉलेज है। हर बच्चे का डिज़ायर होता है कि अगर वो बीएड करे तो मिरंडा हाउस या लेडी श्रीराम या गार्गी कॉलेज कॉलेज से करें, तो इनकी जो कट ऑफ है ना जनरली काफी ज्यादा हाई आती है। तो अगर आप मिरंडा हाउस से करने की सोच रहे हो तो मिनिमम आपको 750 का टारगेट लेके चलना चाहिए। लेडी श्रीराम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 700 का टारगेट लेके चलने चाहिए, 700 से लेके 750 नंबर आएंगे तब जाकर के आप चांस ले सकते हो कि आपका लेडी श्रीराम के अंदर एडमिशन हो जाएगा। गार्गी कॉलेज की बात करें तो गार्गी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऑन एन एवरेज देखा गया 650 के अराउंड अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। देन उसके अलावा जो जीसस मैरी कॉलेज है, इसका भी एडमिशन जो है ऑन एन एवरेज 620 प्लस आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो मेन अगर देखा जाए तो यही कुछ कॉलेज है जिसमें आपको मेन फाइट देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा फाइट यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करें जो हमारा बाकी जो कॉलेज है उसके बारे में, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यहाँ पे अगर आप 580 के अराउंड भी अगर आप ले आते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में से अगर आपने आप बीएलएड का कोर्स करना चाहते हो तो उस केस में आपको कोशिश करना है कि मिनिमम 580 से अबो ही मार्क्स आए, इससे कम मार्क्स ना आए। वही बाकी अगर इन कॉलेज की बात करें तो इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी अगर ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है, तो इनके लिए ज़्यादा फाइट देखने को नहीं मिलती है। मेन जो फाइट आपको देखने को मिलती है वो इन 4-5 कॉलेज के लिए ही मिलती है। आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो मिरंडा हाउस में सबसे ज़्यादा फाइट होती है, 750 से ऊपर मार्क्स लाओगे तभी आप कह सकते हो कि आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा।
मिरांडा हाउस के अंदर बीएलएड कोर्स के अंदर लेडी श्री राम के अंदर आपके आपको 700 चाहिए, गार्गी कॉलेज के लिए 650 चाहिए, जीसस मैरी के लिए मिनिमम 620 तो लाना ही पड़ेगा, और बाकी जो कॉलेज है उसके लिए थोड़े बहुत कम भी होंगे तो भी चल जाएगा, इनके लिए उतनी ज़्यादा फाइट आपको देखने को नहीं मिलती। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो बीएलएड का कोर्स है उसमें एडमिशन लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हाँ, अगर आप इन कॉलेज के लिए टारगेटेड तो ऑब्वियस सी बात है इतना ज़्यादा फाइट नहीं होती, बट यहाँ से बीएलएड करना उतना ज़्यादा वर्थ इट भी नहीं माना जाता। एक तो बहुत ही ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में लोकेटेड है, तो यहाँ पे इन्हें एक्सेस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, और ये सेंट्रल नॉर्थ कैंपस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉलेज है इनमें। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फैकल्टी भी अच्छी मिलेगी, आपको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छे टीचर बन सको, तो आपको टारगेट भी इन्हीं कॉलेज का ही करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इन सभी कोर्सेज के लिए जो भी बीएलएड का कोर्स हो रहा है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम ऑनलाइन ऑफलाइन सभी टाइप के जो कोर्सेज है प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत हम आप हमसे जुड़ करके बीएलएड की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हो। और अगर आप देखोगे हमारा रिजल्ट, तो पास्ट ईयर्स में बहुत सारे बच्चे जो है हमारे टॉप के जो कॉलेज है उनके अंदर प्लेस हुए हैं, उनके अंदर उनका एडमिशन हुआ है। तो आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ करके इस बीएलएड कोर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल है। आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी कि अगर आप 2024 सेशन के लिए बीएलएड में को टारगेट कर रहे हो तो किस कॉलेज में आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।